हेलो एक्सक्यूज मी, हाथ में क्या है? मच्छी। मच्छी बहुत अच्छी है। आपसे मुझे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो क्या? कल आप होंडा कार में एक सुंदर लड़की के साथ ऑडियो शॉप गए थे। उस लड़की का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो कब कब कहाँ कहाँ जाती है, ये पूरा ब्यौरा मुझे चाहिए। हादरा हट गया, इससे अंदर क्या क्या बताता। रुको, मुझे बताने में और मच्छी को अंदर रखने में क्या संबंध हो सकता है? एड्रेस पूछा तो ड्रेस बदल के आ रहा है। ये आपका रिवाज है, हद से ज्यादा नम्रता अच्छा नहीं है। डिटेल्स बताइए बस। टाइटैनिक। टाइटैनिक? क्यों रे? हमारी मेम साहब के बारे में सब डिटेल तुम्हें बताऊं? नहीं। हमारी मेम साहब का नाम चालनी है, ये तुम्हें बताऊं? हर गिर ने बताऊंगा। क्यों रे? हमारी मेम साहब कल ठीक 11 बजे गांधीनगर के चेक पोस्ट के पास बुके शॉप में जाने वाली है, ये भी मैं तुम्हें बताऊं? टाइटैनिक याद रखना। ये टाइटैनिक क्या मामला है भाई? मारने से पहले प्रणाम किया, मारने के बाद भी प्रणाम किया। कुछ भी हो लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिल गया, वही बस है। जीवा। यहाँ मैं। आप कैसे हैं? ए चंद्रू यहाँ आना। देखो ये कौन है जानते हो? बराती है। ये लड़के के पिता हैं और ये दोस्त हैं। इनकी अच्छी तरह खातिर करना है, किसी चीज की कमी ना हो। श्याम प्रसाद जो भी चाहिए मांग लो, मैं आता हूँ। टाइटैनिक इधर आ। हम कौन है? बराती। और तुम लोग? गराती। तो हाथ जोड़ के जाके हम दोनों के लिए बढ़िया कॉफी लेकर आओ जनाब। क्या वरना फिनिश। सर आपके लिए कॉफी। कॉफी? चाय लाने के लिए बोला तो कॉफी लाता है। नहीं सर, आपने कॉफी लाने के लिए बोला था, इनसे पूछे ना। अरे उनसे क्या पूछना है, लड़के वाले कभी झूठ बोलेंगे क्या? चाय ले आओ, हम इस तरह मांग करते रहेंगे वरना शादी बंद करूं। सर, 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 नहीं सर, सच कहा, आपने चाय लाने के लिए बोला था, मेरे कान में कॉफी घुस गया, अभी लाता हूँ सर। तू फिनिश। चाय लीजिए। चाय? हमने पेप्सी पूछा तो चाय लाता है, हमने पेप्सी पूछा है वरना शादी बंद करवा दूं। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, शादी कैंसिल मत कीजिए, मैं पेप्सी लाता हूँ। मुहूर्त के लिए सिर्फ 2 मिनट ही बाकी है, मैं पेप्सी ही ला दूंगा। हाँ अच्छिया उड़ा दूंगा, नहीं तो क्या समझा आपने आप? आओ। क्यों ड्राइवर साहब, गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चला के आए हो और गाड़ी की रफ्तार से भी तेज मेम साहब अंदर गई, क्यों? रसमलाई जैसी जिंदगी में मिर्ची डालने के लिए। हेलो मिस्टर, बड़े लोगों के मामले में सर मत डालो, बावर्ची हो तो बावर्ची खाने से गिराओ। तुम ड्राइवर हो सकते हो, मैं बावर्ची नहीं हूँ, मैं इस घर का हूँ। कौन कौन कहाँ कहाँ चिंगारी लगा रहा है मैं सब जानता हूँ। हो लातों की भूत बातों से नहीं मानते, इसे टाइटैनिक तजी देना पड़ेगा। ये किचन टच है, बड़ा आया टाइटैनिक, जमीन में डुबो दूंगा। लगता है दामाद जी आ गए। अरे चंद्रू देख कौन आया है। नमस्ते, आइए आइए साहब जी, अपने दामाद जी आए हैं। जी साहब। कौन आया है कहा? अपने दामाद जी आए हैं कहा? दामाद जी नहीं, तुम्हारे साहब के फ्रेंड के बेटे आए हैं कहो। अच्छा, क्या कहोगे? दामाद जी गुड। क्यों दामाद जी, कैसे आना हुआ? ये हाथ में कागजात कैसे? इस तरह कागजात लाते हुए मुझे दुख तो हो रहा है। शादी दो आत्माओं के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है और बिजनेस मनुष्यों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। जब शादी का बंधन ही खतरे में पड़ गया, इसलिए पहले बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करने का सोच रहे हैं मेरे डैडी। इन कागजात पर साइन कीजिए। बेटे, छोटी मोटी नोकझोंक की वजह से और छोटे मोटे प्रॉब्लम की वजह से हमेशा के लिए बिछड़ने का फैसला किया। जी हाँ, अब बिछड़ने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। सेकंड थॉट नहीं करोगे? नो सेकंड थॉट्स, अब बिछड़ना ही पड़ेगा। जिंदगी एक खेल है बेटा, इसमें फाइनल सेमीफाइनल्स वगैरह होते, क्यों ना इसे सेमीफाइनल समझ ले। नो, यही फाइनल है। तो एक और मैच रख लेते हैं दामाद जी, यही लास्ट और फाइनल मैच है। चीयर्स। मुझे क्यों दे रहे डैडी? वो बाद में बताता हूँ, पहले पियो। जानते हैं डैडी, पब्लिक में शालिनी ने मुझसे झगड़ा किया, इसीलिए पहले ये पी लो।
वो भी पब्लिक में उसने मुझसे। पी लो बेटे। ये क्या डेरी, कड़वा है, आप कैसे पीते हैं? कड़वा है, बाद में अच्छा लगेगा, पहले ये खाओ। ए, तू जाके चिकन ले आ। ये क्या उल्टी गंगा बह रही भाई? पब्लिक में चलने न मुझसे पहले ये पी लो। ये डेरी अब इतना कड़वा नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा ही लगेगा, आगे आगे और अच्छा लगेगा, पहले पियो बाद में बताता हूँ। ये बात नहीं डैडी, पब्लिक में शालिनी ने क्या है? पब्लिक में शालिनी, पब्लिक में शालिनी, उसकी खबर लेने के लिए ही ये दारू दे रहा हूँ। पीता हूँ। एक बार तुम्हारी माँ ने ऐसे ही पब्लिक में झगड़ा किया, दो पैक मार कर दो हाथ दे दिया, एकदम चुप हो गई। तूने मेरी माँ को मारा था डैडी? मैंने तुम पर हाथ उठाया। कोई बात सॉरी डैडी, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। इसको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही स्पीड चाहिए, और थोड़ा ले ले, थोड़ा पी लो, पी लो, पी लो, ऐसा। डैडी क्या है बेटे, तुमने माँ को मारा था? नहीं मारा। मैं शालिनी को मारूंगा। ठीक है मारो, पहले ये मारो। पब्लिक में मुझसे झगड़ा किया यार। क्यों बेटे, दारू ज्यादा तो नहीं चढ़ गई? डैडी क्या है बेटे, तुमने मुझे क्यों मारा ये बताओ। मैंने तुझे कहा मारा, तूने ही मुझे मारा। मैंने तुम्हें मारा, सॉरी डैडी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया, छोड़ दो, माफ कर दो डैडी। अरे जाके शालिनी की मरम्मत करो। अभी जाके मरम्मत करता हूँ। शालिनी इधर आओ। मैं बहू रानी आ गई, मुझे इसकी शक्ल भी पसंद नहीं है, इसे घूमने के लिए कहो। शालिनी जरा घूम जा बेटी, पब्लिक में मेरी बेइज्जती करती है। क्या है बेटा, तुमने मेरी माँ को मारा था? नहीं मारा, मार डालूंगा अभी, मैं इसे मारता हूँ। मारो मारो। आपके फ्रेंड के बेटे आए हैं। ए भाई। जी साहब। क्या कहा? कहा कि उनके फ्रेंड के बेटे आए हैं। गलत नहीं है? जी नहीं, ये गलत नहीं है। इस घर के दामाद जी आए को। उस दामाद जी कहा तो आपने मारा, फ्रेंड के बेटे कहा तो भी मार रहे हैं। ये शिफ्टिंग का क्या मतलब है मालिक? ये क्या कर रहा है, मेरी बीवी की जगह हड़प। जा जाके मेरी बीवी को बुला। ठीक है सर। क्या है ये सब? क्या बोल दूंगा, मैं बाद में निपटूंगा बेटे, जिंदगी में। मैम साहब, मैम साहब, आइए। तो किसको बुला रहा है? आपकी धर्म पत्नी को। मेरी धर्म को तू बुलाएगा? आप ने तो कहा था। तू इतना बड़ा हो दामाद के सामने लुंगी उठाता है बे। रात के वक्त चलो था। उतार दो जल्दी पहना। बीवी कहाँ है? बीवी क्या है, क्या हुआ? अरे पब्लिक के बीच बकबक करके मेरी इज्जत का फलूदा निकाल रही थी। क्या की मिसेस कर रहे हैं? तेरे बाप का पी के आया हूँ, मेरे ओन बाप का दारू पी के आया। क्यों मुझे पब्लिक में फंसा कर पब्लिक में बेइज्जत करा तो गलत नहीं है? मैं प्राइवेट में पी के प्राइवेट में आया तो गलत है, न्यूसेंस है। तूने जो गलती की उसके लिए माफी मांग कर उठक बैठक। मेरी बेटी माफी मांग के उठक बैठक करेगी? तूने मुझे छुआ? हाँ छुआ। यू टच मी? हाँ टच किया। पहले तेरी खबर लेता हूँ। सोने जैसे मेरी बीवी को बहका कर उसका ब्रेन वॉश करने वाली एक तुम मालक। हाथ क्यों उठा रहे? अपनी सास माँ को मारोगे? क्या तुम्हें कोई शक? मारो देखता हूँ। मारो। जो मैंने कभी नहीं कहा इन्होंने कर दिया। शालिनी मैंने अपनी सास माँ पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दो, जब तक माफ नहीं करोगी मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा। लड़की बाप रे, सच में सब लूट गया। कांता गला क्यों फाड़ रहे? गला नहीं फाड़ रहा हूँ, खबरदार कर रहा हूँ। पत्नी के बिछड़ने के गम से परेशान दामाद ने दफ्तर में एक सुंदर कन्या को सेक्रेटरी बना के रखा है। क्या?
सुना, दामाद जी ने ऑफिस में लेडी सेक्रेटरी रखा है, वो उसे अपने जाल में फंसाने से पहले समर चुका है। वो पर्सनल सेक्रेटरी कौन है, कैसी है, ये पता लगाओ। सिर्फ डिटेल्स ही नहीं मैडम, हमारे साथ ये कहाँ तक घुस गए हैं ये सब। या, 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 ओ, जाओ। ओके, इस गाड़ी की आज ही डिलीवरी देनी है। एक्सक्यूज मी, यस, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। क्या है? आपके जीवा साहब के पास पर्सनल सेक्रेटरी बन के एक लड़की आई है, सुना है। वो लड़की कौन है, क्या है और कहाँ की है? जीवा साहब से मिलने के लिए वो कितनी बार अंदर जाती है और अंदर से कितनी बार बाहर आती है? जीवा साहब और उसके बीच जो चल रही है वो फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है या कोई टाइटैनिक शिप है? इस तरह के सभी डिटेल्स मुझे चाहिए। जस्ट ए मिनट। ये क्या, जस्ट ए मिनट कह के मेरे स्टाइल में अंदर जा रहा? अरे ये क्या कार है, हवाई जहाज हवा में लटक रही है? टाइटैनिक। इसे क्या हो गया, मेरे स्टाइल में नमस्कार कर रहा? हमारे जीवा के पर्सनल सेक्रेटरी का डिटेल्स चाहिए। उस हुस्न की मल्लिका जनक की परी के बारे में तू जानना चाहता है? क्यों बे, वो लड़की पतली कमर वाली है, हंस की तरह चलती है, आंखें कमल जैसी है, ये सब मैं तुझे डिटेल्स के साथ बताऊं। बिल्कुल मेरी तरह ही मार रहा, तुम्हें ये सब किसने सिखाया मेरे बाप? मैंने। तुझे सिखाने वाले गुरु ने ही मुझे भी सिखाया। मेरे प्यारे शिष्यों, ये टाइटैनिक टेक्टिक मैंने तुम्हें क्यों सिखाई जानते हो? ताकि मैं इसे मार सकूं और ये मुझे मार सके। हम दोनों मिलकर आपको मारे, इसलिए। तुम दोनों को कोई नहीं मार सकता। ये टाइटैनिक टेक्टिक मैंने प्राण जाने पर, सम्मान जाने पर या दोनों के साथ जाने पर उपयोग करने के लिए सिखाई है। यदि इस विद्या का उपयोग तुमने कॉमेडी के लिए किया तो टाइटैनिक की तरह डिबो दूंगा। मैम साहब, साहब जी की जो पर्सनल सेक्रेटरी है ना, वाह 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 वा, क्या ब्यूटी है, चमकती हुई नशीली आंखें, लचकती मस्त कमर, उसकी चाल राज हंसनी की तरह है। ओ रुक 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 रुक, वाह वाह।